अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डर जो है वो मेरे पास फ्री वर्जन है, इसलिए 5 मिनट के बाद वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास सिलेक्शन में आ गया है, यहाँ पे इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, ये नहीं हो रहा, चलो इसको छोड़ें। अब एपीए में ऐसे ही आ रहा होता है, अगर आपसे वो ओपीजी जो हमारा एक नया आया था यहाँ पे, वो गुम हो गया था यहाँ पे, तो उसमें थोड़ा चेंज है, वहाँ पे फिर 1-2 ही आ रहा होता है। तो इस तरह आपने, चलो ये एक मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे कंट्रोल प्रेस करके इसे क्लिक करूँगा, क्यों नहीं हो रहा, चलो मैं मैन्युअली नीचे चला जाता हूँ। ये जो मेरे पास वर्जन है ये थोड़ा बेकार किस्म का है, कहाँ गया ख्वाजा साहब, कहाँ गया आप? तो ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कहाँ गया यार? ये इसमें कोई मसला है, मसला यहाँ है। ये इसका तरीका ये है कि ये क्वेश्चनियर हटा के एंड पे हमने रेफरेंसेस बनाने होते हैं, चूँकि तो एंड पे जो फाइल आपकी बनेगी, सिस्टम आपको क्या करेगा, ये एपीए मेथड में उसने हमें, सिस्टम ने खुद ही जनरेट करके दे दिया। अब मैं कोई एक और रेफरेंस उठाता हूँ, सपोज़ किसी एक बंदे को और को मैं रिमूव करता हूँ। मैं ये आपको बताता हूँ कि ये वाला बंदा है, अब इसको मैं सपोज़ मैं कह लेता हूँ कि मैंने इसकी साइटेशन डाउनलोड की हुई है, और वो मोहम्मद जमाल है या जमाल मोहम्मद है, तो मैं इसको जैसे ही सोर्स करूँगा, थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए, क्यों नहीं हो जाओ ये। अच्छा, ये जमाल एट आल है, यहाँ पे इसका ये साइटेशन आ गई है, और इसका जो रेफरेंस है वो खुद ही यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इनवैलिड साइटेशन ये क्यों दे रहा है, ये कोई इशू कर रहा है, क्योंकि मेरे पास 360 था पहले और अब वो नहीं है, तो जिसकी वजह से ये इशू कर रहा है। लेकिन अगर इस पहले वाले को अगर मैं नंबरिंग लगा लेता ना, तो इसमें ये इशू ना आता। तो बहरहाल ये एक तरीका है, और यहाँ पे इस तरह एक इनलाइन में आपके पास साइटेशंस होती जाती हैं, और ख़ुद ब खुद सिस्टम जो है यहाँ पे 1 बाई 1 जो है ये रेफरेंसेस भी जनरेट करना शुरू कर। देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर आ रहा है मेरे पास, क्यों आ रहा है? ये कहीं ना कहीं जो पुराना रेफरेंस था उसने घुमा के ऊपर डाल दिया सिस्टम में। तो ये एक तरीका है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि किसी एक लिंक को कॉपी कर लें और उसको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, उसको भी आप सोर्स कर सकते हैं। सपोज़ अब ये देखें, ये मैं यहाँ पे इसको सोर्स करता हूँ एपीए, यहाँ से इसको डाउनलोड करके मेरे पास लाइब्रेरी वो खुली है, तो लाइब्रेरी में जैसे ही ओपन करता हूँ ये मेरे पास आ गया है, रोला फलाना फलाना फलाना। तो इसको मैं जाता हूँ किसी भी मटेरियल में, मैं सपोज़ इसका साइटेशन डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट जाके गो टू लाइब्रेरी, और ये मैं सिंगल क्लिक से हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा, पता नहीं कोई इशू करा। अब ये देखिए इसकी साइटेशन भी आ गई है, एक दूसरा रेफरेंस जो है ये गुम हो जाता है पीछे वाला, ये देखिए अब ठीक हो रहा है। अब देखिए ये रेफरेंस 1 बाई 1 खुद यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। अब ये मुकर्रम जो है, मुकर्रर है या 2014 में जो भी बंदा है। तो इस तरीके से हम, एक तो ये हमारे पास साइटेशन, उसके साथ रेफरेंसेस, और साथ में एक और जो चीज़ कमाल की हमारे पास बन जाती है, ये हमारी लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी मेरे पास सेव पड़ी होगी, जहाँ पे मैं जाऊँगा अपने साइटेशंस, अपने रेफरेंसेस में इस लाइब्रेरी के थ्रू अपडेट कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं सारे पेपर अपने पास रखूँ सेव करके। मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये कापी हैं, मेरा थीसिस, मेरा क्वेश्चनेयर, मेरा और जितने भी मटेरियल होगा उसके साथ मैं इस लाइब्रेरी को भी सेव कर लूँगा, और फिर मैं जहाँ पे भी इसको अपने थीसिस या प्रपोजल के साथ लिंक करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसको वैलिडेट करना शुरू कर देगा, और ये आपका एक प्रूफ होगा कि आपने इन इन सोर्सेस को चेक किया हुआ है। थैंक यू। वीडियो स्टॉप।